मैं नीति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ माँ अन्नपूर्णा की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी भिंडी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी लगती हैं। आप एक बार खाएंगे तो खाते जाएंगे, और ये बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। चलिए बनाते हैं हम आज अचारी भिंडी। तो मैंने 500 ग्राम भिंडी ली हैं, जो मैंने अच्छे से वॉश करके साफ करा है उनको, और पोंच के उनको बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। आपका मन है आप कितने बड़े पीसेस में इसको काटते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऑयल गरम करेंगे। मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करा हुआ है, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी 1 टेबलस्पून अजवाइन डालेंगे हम इसमें। देन हम उसमें डालेंगे ग्रीन चिली हाफ, और थोड़ी सी अदरक कट करके वो डाल देंगे हम इसमें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे भिंडी, इसको हम अच्छे से चला लेंगे। मीडियम फ्लेम में रखेंगे, ना तेज ना कम, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। हम इसको अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1.5 टेबलस्पून, 1 स्पून डालेंगे हम रेड चिली पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जितना हमको पसंद है उतना हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम इसको 5 से 8 मिनट के लिए इसको हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, और इसको बंद करके ढक के रखेंगे। बाकी मसाले हम उसके बाद जब ये गल जाएगी तब मिलाएंगे, ठीक है। तो अभी हमें 5 से 8 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे बनने देना। अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारी बनके तैयार हुई है या नहीं। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, और ये हमारी गल गई हैं भिंडियाँ, बिल्कुल पक के तैयार हो गई हैं। देखिए अब इसमें हम जो हमारा मसाला बचा हुआ था हम इसमें वो डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून। अब क्योंकि ये हमने बनाई है भिंडियाँ, कौन सी वाली, अचारी भिंडी, तो इसमें हम धनिया पाउडर के साथ अब हम इसमें अचार का मसाला मिक्स करेंगे। आप चाहें तो आप इसमें सूखे मसाले भी ऐड कर सकते हैं, कलौंजी मेथी ये सारे, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड होंगे, सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे। और हमें ये 10 मिनट में ही बनाकर रेडी करनी है और पूरी पराठे से खानी है। तो ये शॉर्ट तरीका है बहुत, कि मैं इसमें धनिया पाउडर मसाले के साथ हमारे पास जो घर में अचार होता है ना, उस अचार में से ऑयल और ये जो मसाला होता है हम इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने आम वाला जो अचार होता है उसमें से थोड़ा सा 2 टेबलस्पून मसाला मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ना तो अमचूर पाउडर डालेंगे और ना ही लेमन डालेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से
इसमें जो ऑयल में और मसाले में खटास है उसी से ही ये अच्छी टेस्टी हो जाएगी। बाकी अगर आपको कुछ कम लगे तो आप इसमें लेमन या अमचूर पाउडर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसमें बिल्कुल अचार की खुशबू आ रही है और इसका कलर भी कितना सुंदर है, देखिए बिल्कुल इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अचार वाला टेस्ट होगा। आप एक बार खाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल दें। ये देखिए कितना सुंदर इसका कलर है, बिल्कुल अचार जैसा लग रहा है और इसका खाने वाला टेस्ट भी बिल्कुल अचार वाला ही आएगा। ये हमारी अचारी भिंडी तैयार हो गई है। आप इसको पूरी से, परांठे से, फुलके से, किसी से भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।